शांत समुद्र तट, चित्रमय गलियां और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के लिए प्रसिद्ध नगर पुडुचेरी के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सदरापट की छात्रा दीवश्री हमारे बीच इस सभागार में मौजूद हैं और अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। दीवश्री, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते, वणक्कम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर। वणक्कम वणक्कम। माय नेम इज दीपश्री, आई एम कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेदरापट पुलचेरी। माय क्वेश्चन इज हाउ कैन वी बिल्ड आवर ट्रस्ट इन पेरेंट्स दैट वी आर वर्किंग हार्ड। थैंक यू सर। धन्यवाद दीपश्री। प्रधानमंत्री जी, हम माता पिता को कैसे विश्वास दिलाएं कि हम मेहनत कर रहे हैं, इस विषय पर दीपश्री आपसे मार्गदर्शन चाहती हैं। आपने सवाल पूछा है, लेकिन सवाल के पीछे दूसरा सवाल है आपके मन में जो आप पूछ नहीं रही है। दूसरा सवाल यह है कि पूरे परिवार में मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, और ये यानी आपकी बहुत अच्छी परिस्थिति को आपने पकड़ा है। आपने उसको प्रस्तुत ऐसे किया घर में कोई नाराज ना हो जाए, लेकिन ये सोचने का विषय है टीचर के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी कि ऐसा क्या कारण है कि हम ट्रस्ट डेफिसिट पारिवारिक जीवन में अनुभव कर रहे हैं। अगर पारिवारिक जीवन में भी हम ट्रस्ट डेफिसिट अनुभव करते हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, और ये ट्रस्ट डेफिसिट अचानक नहीं होती है, एक लंबे कालखंड से गुजर करके निकलती है, और इसलिए हर पेरेंट्स को, हर टीचर को, हर स्टूडेंट्स को बहुत ही बारीकी से अपने आचरण को एनालाइज करते रहना चाहिए। आखिरकार माँ बाप मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं करते? कहीं न कहीं तो ऐसी बातें हुई होगी जिसके कारण उनका ये मन बन गया होगा। कभी आपने कहा होगा कि मैं अपनी सहेली को मिलने जा रही हूं, और माँ बाप ने अगर बात में पता चला कि आप तो उस दिन उसके यहां गई नहीं थी, तो ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हो जाते, यार उसने तो कहा था वहां जाऊंगा, लेकिन बांधी जब वहां गए नहीं, लेकिन आकर के कह दिया कि मैंने तय किया था उनके यहां जाऊंगा, लेकिन रास्ते में मेरा मन बदल गया तो मैं वहां चला गई थी। तो कभी भी ये ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति पैदा नहीं होगी, और एक विद्यार्थी के नाते हमें जरूर ऐसा सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहा था मम्मी आप सो जाओ, चिंता मत कीजिए, मैं तो पढ़ लूंगा, और मम्मी चुपके से देखती और मैं सो रहा हूं, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा। ये तो कह रहा था मैं पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ नहीं रहा है, सोया पड़ा है। आप कहते थे कि माँ मैं अब एक सप्ताह तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन छुपके से दिख रहा है माँ को घर है, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाती है। क्या आप जो कहते हैं उसको सचमुच में पालन करते हैं क्या? अगर आप पालन करते हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि पेरेंट्स को या टीचर्स को इस प्रकार की ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति पैदा होगी, आपके प्रति अविश्वास का कारण बनेगा। उसी प्रकार से मां बाप को भी सोचना चाहिए। कुछ मां बाप को ऐसी आदत होती है, जैसे मान लीजिए किसी मां बाप ने, माँ ने बहुत बढ़िया खाना बनाया है और बेटा आया है, किसी न किसी कारण से उसका खाने का मन नहीं है, लेकिन बहुत कम खाया, तो माँ क्या कहेगी,
जरूर कहीं खा करके आए होंगे, जरूर किसी के घर में पेट में भर करके आए होंगे। तो फिर उसको चोट पहुंचती है, फिर वो सच बोलता नहीं है। फिर मां को ठीक रखने के लिए, ठीक है चलो अच्छा लगे बुरा लगे मैं जितना मुंह में डाल पोस्ट ऑफिस में डालता हूं डाल दूंगा, ये ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाता है। हर घर के अंदर ये अनुभव आता होगा, आपको माताजी ने पिताजी ने मानो आपको पैसे दिए और आपको कहा एक महीने का तुम्हारा ये 100 रुपया तुम्हें देते हैं पॉकेट का, और फिर हर तीसरे दिन पूछते हैं वो 100 रुपये का कह दिया, अरे भाई तुमने 30 दिन के लिए दिया है ना, दूसरा मांगने तो आया नहीं तुम्हारे पास, तो भरोसा करो ना, अगर भरोसा नहीं तो नहीं देना था। ज्यादातर मां बाप के केस में ऐसा होता है, रोज पूछते हैं अच्छा वो 100 रुपया, हाँ कोई ये तो पूछ सकता है, पूछने का तरीका हो सकता है, कोई कहे बेटा उस दिन पैसे नहीं थे तुम्हें 100 ही रुपये दिए थे, तुम चिंता मत करना जरूरत पड़े तो कह देना। तो उस बेटे को लगे नहीं नहीं मेरे माता पिता ने मुझे 100 रुपया, हाँ देखो आपकी पसंद की बात आई तो ताली बजाते हो आप लोग अगर वही सवाल एक पूछते 100 का क्या किया इसके बजाय कह दे, तो बेटा कहेगा ना मां बिल्कुल नहीं मेरे पास पैसे हैं सफिशिएंट है। यानी हमारा एक दूसरे के बाद बीच बात करने का तरीका कैसा है, ये चीजें सामान्य जीवन में जो अनुभव आती हैं वो फिर धीरे 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 एजुकेशन सिस्टम के साथ रोजमर्रा की हमारी अपेक्षाएं होती है उसके टकराव में कन्वर्ट हो जाती है। फिर कहा मार्क्स क्यों नहीं आए, बस तुम पढ़ते ही होंगे ध्यान देते ही नहीं होंगे क्लास में बैठते नहीं होंगे अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते होंगे, हो सकता है वो पैसे हैं सिनेमा चल देखने चले गए होंगे मोबाइल फोन पर रील देखते होंगे, फिर वो कुछ न कुछ कहना शुरू हो जाता है, फिर दूरी बढ़ जाती है, पहले ट्रस्ट खत्म हो जाता है फिर दूरी बढ़ जाती है, और ये दूरी कभी कभी बच्चों को डिप्रेशन की तरफ धकेल देती है। और इसलिए मां बाप के लिए बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार से टीचर्स ने भी बच्चों के साथ इतना खुलापन रखना चाहिए सहज रूप से अपनी बात कह सके। अगर उसको कोई सवाल समझ में नहीं आया तो कोई टीचर हड़का देगा, तुझे कुछ समझ नहीं आने वाला तो बाकियों के विद्यार्थियों का टाइम खराब मत करो बैठ जाओ। कभी कभी क्या करते हैं टीचर भी, जो 4-5 होनहार बच्चे होते हैं ना उनको वो बहुत प्रिय लगते हैं, उनसे उनका मन लग जाता है, बाकी क्लास में 20 बच्चे हैं 30 बच्चे हैं वो जाने उनका नसीब जाने, ये 2-4 में अपना मन लगा देते हैं, सब चीजें भावाई उन्हीं की करते रहते हैं वही रिजल्ट देकर गए। अब आप उसको कितना आगे ले जा पाते हो तो अलग बात है, लेकिन बाकी जो है वहां से नीचे गिरा देते हैं। और इसलिए कृपा करके आपके लिए सभी स्टूडेंट समान होने चाहिए, सबके साथ इक्वली, हाँ जो तेज होगा वो अपने आप में से जो अमृत है वो ले लेगा, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसके प्रति अगर आप सिंपैथेटिक, और उसमें भी मैं मानता हूं उसके गुणों की तारीफ कीजिए। कभी कहे एक बच्चा बिल्कुल वीक है पढ़ने में लेकिन उसके हैंडराइटिंग अच्छे है, तो उसके सीट पे जाकर के अरे यार क्या बढ़िया लिखते हो तुम, कितने हैंडराइटिंग तुम्हारे अच्छे हैं, क्या स्मार्टनेस है तुम्हारी। कभी ऐसा एक डल विद्यार्थी है अरे यार तेरा कपड़ा बहुत शर्त है शर्ट बहुत अच्छा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो आपके साथ खुलने लग जाएगा, वो आपसे बातें करने लगेगा कि ये शाप के प्रति मेरे प्रति उनका ध्यान है। अगर ये सहज वातावरण बन जाएगा तो मैं नहीं मानता हूं कि ये, लेकिन ये विद्यार्थियों का भी उतना ही दायित्व तो है, हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि मेरी ऐसी कौन सी बातें थी जिसने मेरे घर के लोगों का मुझ पर से भरोसा उठ गया। ये किसी भी हालत में हमारे आचरण से हमारे परिवार के हमारे टीचर का हम पे भरोसा उठना नहीं चाहिए, हमसे कुछ नहीं हुआ तो कहना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि परिवार में एक प्रयोग कर सकते हैं, मान लीजिए आपका बेटे या बेटी के 5 दोस्त हैं, तय कीजिए कि महीने में एक बार
दो घंटे वो पांचों परिवार किसी एक परिवार में एकत्र होंगे, दूसरे महीने दूसरे परिवार में, बिल्कुल गेट टुगेदर करेंगे। और उसमें बच्चे बूढ़े सम हो गए, ऐसा नहीं कि दो लोगों को घर छोड़ के आ जाएंगे। 80 साल के माँ बाप भी अगर फिजिकली फिट आ सकते हैं उनको भी लेके आइए। और फिर तय कीजिए कि आज वो तो तीसरे नंबर का दोस्त है, उसकी माता जी एक कोई पॉजिटिव बुक पढ़ करके उसकी कथा सुनाएगी। अगले बार तय कीजिए जो चार नंबर का दोस्त है, उसके पिताजी एक कोई पॉजिटिव मूवी देखा होगा तो उसकी कथा सुनाएंगे। जब भी आप एक घंटे का गेट टुगेदर करें, सिर्फ और सिर्फ उदाहरणों के साथ, किसी रेफरेंस के साथ पॉजिटिव चीजों की चर्चा करें, वहां के किसी के रेफरेंस से नहीं। आप देख लेना धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी परकुलेट होगी। और यही पॉजिटिविटी सिर्फ आपके बच्चों के प्रति नहीं, अंदर अंदर भी ऐसा ट्रस्ट का वातावरण बना देगी कि आप सब एक इकाई बन जाएंगे, एक दूसरे के मददगार बन जाएंगे। और मैं मानता हूं ऐसे कुछ प्रयोग करते रहना चाहिए। धन्यवाद।